Hi everyone. Now we have reached to the next part of the sexual reproduction in plants, that is post-fertilization changes. Last video में हमने किया था fertilization in plants, उसको जरूर देखिए कि fertilization जब एक बार हो गई, that is zygote बन गया, male and female gamete जब fuse करते हैं तो zygote बनता है. Male gamete, I told you in the last video also, male gamete haploid structure fuses with female gamete, that is the again haploid structure gives rise to one diploid structure called zygote, that is the diploid structure. अब ये जब zygote बन गया यानी fertilization हो गई, इस fertilization के बाद क्या होता है? Fertilization के बाद ये जो single cell zygote है ये mitotically divide करता है और वो एक एम्ब्रियो बनाता है. और उसके बाद व्हाट हैपेंस, देखिए जितने भी फर्स्ट स्टेप हैं आपके फ्लावर के पेटल्स हैं, ऑल द पेटल्स, सेपल्स, इवन जो स्टेमन जितने एक्स्ट्रा बच गए क्योंकि पोलन ग्रेन सारा झड़ चुका है, स्टेमन, इवन स्टिग्मा एंड स्टाइल, ओवरी नहीं, स्टिग्मा एंड स्टाइल, दे ऑल फॉल ऑफ. Stigma and style, they all fall off. थोड़ा सा इसमें देखिए कि I'll just come to this later. Secondly, उसके बाद क्या होता है, जो ovary है, ovary develops into fruit. Fruit में develop होती है. So what is a fruit? Fruit is nothing. It is also known as the ripe. Ripened ovary. Ripened means matured ovary. और ovary के अंदर क्या था? Ovary के अंदर था seed. Sorry, ovule. और ovule किसमें convert हो जाता है? Ovule develops into seed. Ovule develops into seed. Right? और ovule के बाहर जो integument थे, ओव्यूल में जो यहाँ पर लिख देते हैं, जो इसकी जो कवरिंग होती है, इंटेग्यूमेन ऑफ ओव्यूल चेंजेस इनटू द सीड कवरिंग, दैट इज नोन एज द सीड कोट. अब ये जो ओवरी है, फॉर एग्जांपल हम मिर्च का पौधा लेते हैं. मिर्च, एक्चुअली मिर्च क्या है? मिर्च फ्रूट है. आप इसको वेजिटेबल तो बोलते हो. This is chili, मिर्च. ये वाला जो पार्ट है ये है केलिक्स. उसी तरह this is chili. आप ब्रिंजल में भी देख लीजिए, ब्रिंजल में भी you can see, उस पर भी ये ग्रीन वाला पार्ट उसके साथ लगा रहता है. This is also the केलिक्स. This is ब्रिंजल. एक्चुअली ब्रिंजल को आप वेजिटेबल कहते हो. इट इज द फ्रूट. और कौन सा फ्रूट है? ओवरी विच हैज टर्न इनटू फ्रूट. दिस इज आल्सो ओवरी. इसके अंदर जो छोटे छोटे दाने होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो ओव्यूल्स हैं. और इसके अंदर मिर्च के अंदर जो छोटे छोटे दाने हैं वो भी ओव्यूल्स थे जो सीड में कन्वर्ट हो गए हैं. और इसके अंदर जो वाइट पार्ट होता है जिसके ऊपर वो मिर्च के दाने लगे होते हैं वो प्लेसेंटा होता है. राइट? अब मैं व्हाट आई वांट टू से इज कि नो डाउट द सेपल्स एवरीथिंग फॉल ऑफ, लेकिन कुछ फ्रूट्स में ये वाला जो पार्ट केलिक्स है ये फॉल नहीं करता, ये उसके साथ ही लगा रहता है. आप टोमेटो देख लीजिए, मैंगो देख लीजिए, उसमें नहीं लगा रहता, इट फॉल्स ऑफ. बट हेयर इट इज नोन एज परसिस्टेंट केलिक्स. परसिस्टेंट मीन्स उसके साथ ही लगा रहता है केलिक्स. तो हर केस, कुछ केस में केलिक्स गिरता है और कुछ, जनरली सब में वो केलिक्स नीचे, मतलब कि गिर जाता है. कुछ केस में केलिक्स परसिस्टेंट रहता है. अब देखिए ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट. तो एक्चुअली जो ओवरी की कवरिंग है वो आपके पेरिकार्प, फ्रूट की कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्प. व्हाट इज दिस पेरिकार्प? दिस इज द कवरिंग ऑफ द फ्रूट. कवरिंग ऑफ द फ्रूट, ये जो आपका, सॉरी यहाँ पर नॉट इंटेग्यूमेन, यस दैट्स इट. ओवरी की जो कवरिंग है दैट इज द पेरिकार्प, वो बन जाता है. एंड इंटेग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल
कन्वर्ट्स इनटू सीड कोड. तो ये जो सारे चेंजेस हैं, और ये छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. तो बहुत सारा आपने डिटेल नहीं लिखना, कि जो मैंने परसिस्टेंट वगैरह का बताया था, दिस वाज जस्ट एक्स्ट्रा फैक्ट. सो यू हैव टू राइट ओनली दीज पॉइंट्स. कई बार वन मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि राइट फिल द फॉलोइंग, ओवरी चेंजेस इनटू डैश, ओवल चेंजेस इनटू सीड. तो यहाँ अपने फ्रूट लिखना है, वहाँ अपने सीड लिखना है. और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा टू मार्क्स का, एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स, व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस. सो यू जॉट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, इन शॉर्ट नथिंग इन डिटेल. सो विद दैट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसके बात करेंगे कि जब ये ओव्यूल का सीड बन गया, सीड का स्ट्रक्चर कौन सा होता है. हम टिपिकल सीड की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड. क्योंकि जो मोनोकॉट सीड होते हैं, आपका जो मेज, मक्की का दाना, राइस, वो सारे के सारे आपके मोनोकॉट होते हैं, जिसमें एक सिंगल कॉटिलीडन होता है. लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट सीड. स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट सीड. और डाइकॉट सीड में आप राजमा ले सकते हो, आप चने ले सकते हो. यहाँ पर मैं आपको लूंगी राजमा का बीज लूंगी, दैट इज द यू कैन से किडनी बीन. स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट एंड हियर एग्जाम्पल इज द किडनी बीन, दैट इज इन हिंदी वी कॉल इट एज राजमा. क्लियर. अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप राजमा को बाहर से देखें, दिस राइट किडनी शेप्ड है और इसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं. ये राजमा की कवरिंग है और यहाँ पर छोटा सा एक ट्रायंगल होता है, एंड हियर इट इज द होल. और इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और ये ट्रायंगल वाले पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम. और ये जो कवरिंग है राजमा के बीज की, दिस इज द सीड कोट. और ये अलग अलग कलर का होता है, लाइट पिंक होता है और उसके ऊपर डार्क मैरून कलर के स्पॉट्स होते हैं, या कंप्लीट ही डार्क मैरून कलर का राजमा होता है. साइज छोटा भी होता है, बिग भी होता है. आपने काफ़ी वैरायटी राजमा की देखी होगी. तो कवरिंग ऑफ द सीड इज नोन एज अ सीड कोट. सो दिस इज अ कंप्लीट सीड, बीज है ये. एक्चुअली ये ओवरी थी ये. इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉस बीन के अंदर राजमा होता है. तो फ्रेंच बीन लंबी, वो एक फ्रूट है और उसके अंदर जो ये राजमा है, इजंट इट अमेजिंग, तो वो सीड्स है, राइट. कभी भी फ्रॉस बीन आजकल गर्मियों में अवेलेबल है. फ्रॉस बीन को लॉन्गिट्यूडनली काट लीजिए, जो आपको बीच में जो बीज मिलेंगे, दोज आर नथिंग बट द ओव्यूल्स दैट इज कन्वर्टेड इन टू सीड्स. तो जब उसको सुखा देते हैं और वो ओवरी गिर जाती है, और उस सूखे आपको बीज राजमा के फॉर्म में मिलते हैं, राइट. सो लेट्स गो इन डिटेल. इसको थोड़ा सा खोलते हैं. जब आप इस राजमा को पानी में भिगो दीजिए 4-5 घंटे, तो ये स्वेल कर जाएंगे. वाई, ये जो माइक्रोपाइलर एंड से पानी एब्जॉर्ब होगा, और पानी एब्जॉर्ब करने से ये जो आपका ये सीड कोट है, इट विल बिकम सॉफ्ट. तो आप उस राजमा को निकाल के उसको छील कर उसका छिलका उतार सकते हैं. तो करके देखिए, लीजिए थोड़े से राजमा या चने के बीज, लीजिए उसे पानी में भिगो दीजिए, रात को भिगो दीजिए, मॉर्निंग द थिंग्स आर रेडी फॉर यू. तो आप चने को भी अगर आप छिलका उतारेंगे, दैट इज़ अ सीड कोट. चने में वो येलो कलर का होता है और इसमें रेड कलर का होता है. तो उसके बाद जब आप सीड कोट उसका निकाल लेंगे, सो वॉट विल हैपन इफ़ यू वॉन्ट मी कि मैं सीड का प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर बताऊँ, तो प्लीज़ राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स. तो मुझे काफ़ी सारे अगर डिमांड आएगी, सो आई डेफिनेटली मेक. थोड़ा सा अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर भी हो जाएगा और स्ट्रक्चर ऑफ बीन्स भी हो जाएगा, राइट. सीड, तो यहाँ देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर. ये अगर हम इसको हम खोल के रखते हैं लाइक दिस, राइट. ये जो अंदर वाइट पार्ट होता है, दिस इज द फ्लैशी पार्ट ऑफ द कॉटिलीडन्स. इसको हम कहेंगे फ्लैशी कॉटिलीडन्स. और कॉटिलीडन्स का क्या काम है, इट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है. अगर आप इसको खोलेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज, यहां पर देखिए, यू विल फाइंड
ये वाला पोर्शन एंड देन यू विल फाइंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये वाला पोर्शन जो होता है वी कॉल इट एज, इसको मैं ऐसे लेबल करती हूँ, द पॉइंटेड वन, द पॉइंटेड वन दैट इज द रेडिकल, और उसके बाद ये वाला इस पोर्शन को हम कहते हैं एक्सेस, राइट, एक्सेस ऑफ द एम्ब्रियो, एंड दिस इज द प्लूम्यूल, दिस इज द प्लूम्यूल। ये जो लीफी स्ट्रक्चर होता है, अगर आप राजमा को ध्यान से खोल के देखो, नीडल से इस पार्ट को उठा के देखो, आपको दो छोटे छोटे फोल्डेड लीव्स नजर आएंगे, दे आर द फ्यूचर शूट ऑफ द प्लांट। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज अ प्लांट। प्लांट के मिट्टी के निचले हिस्से को हम रूट कहते हैं और ऊपर वाले हिस्से को शूट कहते हैं, जिसमें लीव्स, स्टेम्स। तो जो स्टार्टिंग वाली पहले जो दो लीव्स होते हैं, वो वाले जो दो लीव्स होते हैं वो इस बेबी प्लांट में होते हैं। तो ये कंप्लीट एम्ब्रियो है कॉटिलीडन्स को छोड़ के, जिसमें ये प्लूम्यूल, रेडिकल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रैकिस, वी डोंट हैव टू गो इट इन डिटेल। सो ये कंप्लीट जो है, दिस इज द एम्ब्रियो, दिस इज द एम्ब्रियो, राइट। इवन कॉटिलीडन वाला पोर्शन भी पूरा एम्ब्रियो ही है। सो दिस वॉज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। यहाँ पर लिख सकते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइको, स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड। अब एक थोड़ी सी बात आपने और देखनी है कि र से रेडिकल, और र से ही होता है रूट। सो रेडिकल गिव्स राइज टू रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, एंड प्लूम्यूल गिव्स राइज टू द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। आप यहां लिख सकते हो gives rise to shoot system and radical gives rise to root system. R se radical, R se root. ऐसे याद रखिए। और radical and plumule, जो पूरा embryo है, this is a future baby plant enclosed in the cotyledons. और next video में हम करेंगे इस baby plant से नया प्लांट कैसे बनेगा, फिर उसमें लीव्स आएंगे और फ्लावर्स आएंगे, और किस तरह से दोबारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होएगी सीड से एक नया प्लांट, और नए प्लांट से नए फ्लावर्स, और नए फ्लावर्स में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगी, नए फ्लावर दोबारा सीड देंगे। सो दिस विल बी कंप्लीट साइकिल इन द साइकिल ऑफ अ प्लांट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So wait कीजिए next video की। If you want to note this diagram, I'll get to one side. You can take the screenshot of it. I hope you have liked it. और अगली video की wait कीजिए to see the germination of the seed. तो इससे आपका पूरा एक series complete हो जाएगी, जहाँ से हमने start किया था sexual reproduction in plants. Hope you have liked it and do watch and wait for the next video. Thank you.